नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हमारे हाईटेक टेक्निकल एक्सपर्ट राव जी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, और सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आपको आसानी से मिल जाए। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि चक्की मोटर के अंदर कागज़ कैसे फिट करें और कागज़ स्लॉट पेपर कैसे लगाएं। तो सबसे पहले आपको एक कागज़ का टुकड़ा लेना होगा, और आपको मोटर के तार काटने के बाद, बिल्कुल साफ़ करने के बाद, उसके अंदर कागज़ का टुकड़ा इस प्रकार लगा के देखना है कि उसके अंदर उसकी जो चौड़ाई है उसमें फ़िट हो जाए, स्लॉट की जो चौड़ाई है उसमें फ़िट हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से डाल के देखना है। ऊपर नहीं जाना चाहिए कागज़, बिल्कुल फिट आना चाहिए, अंदर आना चाहिए, और छोटा भी नहीं रहना चाहिए। अगर छोटा रहेगा तो आपके तार ऊपर आ सकते हैं और मोटर आपकी जल सकती शॉर्ट होके। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरह से देखिए, कागज़ अब फिट आ गया है। ठीक है, अब इसकी लंबाई हम निकालेंगे, लंबाई हम इसकी अब बनाएंगे। तो कोई भी पेपर ले सकते हैं, तो पेपर को एक साइड से मोड़ देना है इस तरह से, और इसको थोड़ा प्रेस कर देना है कैंची की मदद से, थोड़ा दबा देना है। ठीक है, अच्छे से, और फिर डाल देना है। अब इस साइड थोड़ा लंबा है तो इसको काट देना है, इसका एक फिक्स साइज बनाना है, दोनों तरफ से मुड़ भी जाए और इसके अंदर आराम से आ भी जाए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, दोनों साइड से मुड़ने के बाद ही आ जाना चाहिए, और कागज़ ऊपर की तरफ में नहीं निकलना चाहिए और नीचे छोटा भी नहीं रहना चाहिए, तो बिल्कुल फिट इसके अंदर आना चाहिए। और अगर आपकी मोटर जल जाती है तो उसमें एक दो कागज़ सही सलामत निकल भी आते हैं, तो वो साइज़ भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थोड़ा आइडिया उससे ले सकते हैं कि किस तरह का कागज़ था। थोड़ा जल भी गया तो कोई बात नहीं, आइडिया आप उससे लगा सकते हैं कि किस कितना बड़ा कागज़ था। तो इस तरह से आप कागज़ निकाल सकते हैं। अब देखिए, कागज़ का नाप निकल गया, अब इसको सीधा कर लेते हैं। अब इस तरह के 36 स्लॉट की मोटर है चक्की की, 3 HP की, 2.5 किलोवाट की, तो इस तरह के 36 स्लॉट की है। तो 36 स्लॉट के लिए 36 कागज़ हम काटेंगे। तो मैं 10 नंबर पेपर ले रहा हूँ। ठीक है, यह तो मैंने पहले वाइट शीट का एक साइज़ निकाला था, मैं ग्रीन शीट ले रहा हूँ, और ये 10 नंबर है, बहुत बढ़िया कागज़ है, बहुत ज़्यादा बेटर रहता है, जलता नहीं है जल्दी सी। ठीक है, प्लास्टिक का पिघल जाता है, इसलिए मैं प्लास्टिक का यूज बहुत कम करता हूँ। प्लास्टिक के कागज़ में पंखे वगैरह, फराटा वगैरह, कूलर वगैरह में यूज करता हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं यही यूज करता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा बेटर रहते हैं, ज़्यादा चलते हैं और पिघलते नहीं हैं। ठीक है दोस्तों, जब मोटर हीट होती है, गर्म होती है, तो अगर कागज़ पिघल गए तो हमारी जो कॉयलें हैं वो स्टेटर से टकरा जाएगी और शॉर्ट हो जाएगी। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, कागज़ हमेशा 10 नंबर लीजिए, ज़्यादा बेटर रहता है, और ग्रीन शीट ही आप लीजिए, कागज़ टाइप में ही आप लीजिए। ठीक है, कई अच्छे क्वालिटी के कागज़ आपको मार्केट में मिल जाएंगे, तो वही आप यूज कीजिए। तो कागज़ बहुत बढ़िया काम करता है, अच्छा कागज़ होगा तो अच्छा काम करेगा, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। मोटर को सेफ्टी के लिए काम में लिया जाता है, इसके बिना हमारी मोटर ख़राब है। तो देखिए, अब इस तरह से आप निशान लगा लेने हैं। ठीक है, कागज़ को आगे रख के मैंने निशान लगा दिया, उस निशान से आगे रख के फिर मैं निशान लगा रहा हूँ मार्कर की मदद से, और फिर एक फट्टे की मदद से एक लाइन बनाऊँगा और फिर इनको काट लूँगा इस हिसाब से। तो काफ़ी आसानी रहती है, कई भाइयों की आदत होती है, जिन भाइयों को तजुर्बा होता है वो वैसे ही कागज़ बना देते हैं, सीधा काट के कैंची से बिना निशान लगाए काट लेते हैं वो, और फटाफट कागज़ काट लेते हैं। लेकिन अगर आप नए हैं, आदत आप नहीं है, तो आप अगर फिर बिल्कुल फिक्स ही काटना चाहते हैं, आपको आपसे अगर नहीं हो रहा है तो आप निशान लगा के काट लीजिए, बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, कोई टाइम नहीं लगेगा, बस एक बार निशान लगाना है, तो उससे आपका कागज़ की जो लंबाई है वो बिल्कुल फिट रहेगी। चौड़ाई तो आपको कागज़ के ऊपर कागज़ रख के ही काटनी होगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए दोस्तों। थोड़ी सी गर्मी बहुत थोड़ी ज़्यादा है, और मेरा मोबाइल जो है वो MI का मोबाइल है और हीट हो रहा है, तो दोस्तों टेम्परेचर ज़्यादा दिखा रहा है और थोड़ा हैंग भी हो जाता है। हैंग इसलिए हो रहा है क्योंकि वैसे तो इसके अंदर 6 GB रैम है,
64 GB मेमोरी है, वैसे तो खूब बढ़िया चलता है, लेकिन गर्मी की वजह से जब सिस्टम इसका गर्म होता है अंदर से आईसी वगैरह, तो सब कुछ हिट हो जाता है और कैमरा भी हैंग काम करने लगता है। तो यही हो रहा है अभी फ़िलहाल इसके साथ। तो वीडियो की ऐसी की तैसी करके रखते गए, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। पहले मैं माइक्रोमैक्स के मोबाइल से वीडियो बनाता था तो काफ़ी अच्छी वीडियो बनती थी और ठंडा भी रहता था, लेकिन बैटरी कम चलती थी। बैटरी के लिए मैंने माइक का यूज कर रहा हूँ मैं, बैटरी अच्छी चलती है, लेकिन गर्मी में धूप में अगर आप इसको रख दोगे ना, या धूप के आसपास रख दोगे तो बहुत जल्दी हीट होता है। और इसकी थोड़ी बॉडी भी इसकी स्टील टाइप की होती है, तो बहुत जल्दी गर्म होता है ये। तो इस तरह से आपको कागज़ काट लेने हैं, 36 कागज़ काटने हैं। अब देखिए इसके ऊपर कागज़ रखिए, ऐसे कागज़ रखना है। लंबाई तो देखिए निशान लगा के आप काट लीजिए फटे की मदद से, और ये कैंची की मदद से इस तरह से आप इसकी चौड़ाई, कागज़ के ऊपर कागज़ ये रख के, सीट के ऊपर रखे कागज़, आप इसकी चौड़ाई काट लीजिए बिल्कुल फिक्स, ठीक है, बहुत आसान है। और अभी आपको लगाना बताता हूँ, वीडियो को स्किप छोड़े नहीं, ठीक है, देखिए लास्ट तक। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि कागज़ ठीक से लगे तो ही आपकी मोटर अच्छी चलेगी, अगर कागज़ ठीक से नहीं लगाएंगे तो फिर जल जाएगी वो। तो मैं सारे काट के नहीं दिखाऊंगा, थोड़ा सा वीडियो को स्किप कर दूंगा बीच में ना, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। वैसे मैं कम्प्लीटली वीडियो बनाना चाह रहा था, लेकिन बीच में खाम खा के वीडियो बना के कोई फ़ायदा नहीं है, ना मेरा फ़ायदा ना आप लोगों का फ़ायदा है, बस टाइम ख़राब करना होता है। कुछ हमारा मोबाइल भी कैमरा भी थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है आज। तो देखिए यहाँ पर 36 कागज़ मैंने बना लिए हैं, थोड़ा वीडियो को स्किप किया है। अब इसको देखिए लगाना सिखाता हूँ। देखिए कागज़ को पकड़िए, ध्यान से देखिए, इसमें दो साइड होती हैं, एक खुरदरी साइड होती है, एक चिकनी साइड होती है। चिकनी साइड है वहाँ पे एक टेप लगी होती है, पन्नी लगी होती है, पतली टेप, ठीक है। तो आप खुरदरी वाली साइड जो होती है उस साइड से आपको मोड़ना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जो खुरदरी साइड है उस साइड से आपको मोड़ना है कागज़, दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा, इस तरह से थोड़ा थोड़ा मोड़ के उस कैंची के इस सिरे से इसको प्रेस कर लेना है, मेज पे रख के या फर्श में रख के अच्छे से इस तरह से प्रेस कर लीजिए। अगर प्रेस नहीं करेंगे तो कागज़ में सफाई नहीं आएगी, वो फिट अच्छे से बैठेगा नहीं, उखड़ा उखड़ा सा वो लगेगा, ठीक है। तो प्रेस करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इस तरह से हमारा कागज़ फिट हो गया है, सभी कागज़ इसी तरह से फिट करने हैं। और दोस्तों अगला पार्ट आ रहा है रिवाइंडिंग का, पहला जो बनाया उसमें मोटर को थोड़ा खोल के दिखाया है हल्का सा कि कैसे कैसे खोल सकते हैं। कई भाई होते हैं कि ऐसे ही मोटर को देखते हैं और बिगड़ ना जाए कभी घबरा जाते हैं, तो इस ऐसा मत कह करो, कुछ भी नहीं होता है घबराने से। जब तक आप डर को मन से नहीं निकालेंगे, चीज़ों को खोलेंगे नहीं, तब तक आप नहीं सीखेंगे, ठीक है दोस्तों। मैंने भी ऐसे ही सीखा है, बिगाड़ बिगाड़ के ही सीखा है, ठीक है। तो इस तरह से आप कागज़ लगा सकते हैं। पहले पार्ट में आपने देखा कि मोटर को कैसे खोलते हैं, दूसरा पार्ट मैंने बनाया, इसमें बताया कि थोड़ा सा कागज़ वगैरह कैसे सेट करते हैं। पहले भी मैंने वीडियो अपलोड कर दी थी, लेकिन आप सोचा कि दोबारा से थोड़ा सा बता दूं। और अगला पार्ट हमारा आ रहा है रिवाइंडिंग का, उसमें हम कम्प्लीटली आपको डेटा देंगे इस मोटर का, और किस चक्की की 36 स्लॉट में कोई भी मोटर हो इस तरह की, तो आप इस डेटा की मदद से आप बांध सकते हो किसी भी मोटर को, ठीक है। आँख बंद करके बांध लो इस तरह की मोटर आए तो इसका हम कम्प्लीटली डेटा दे देंगे और पूरी डिटेल दे देंगे। तो अगली वीडियो अगला पार्ट आप ज़रूर देखें। वैसे मैं इसके कई पार्ट बनाए हैं तो सभी पार्ट आप देखें, ठीक है। आपको ज़रूरत, आप ज़रूरत के हिसाब से भी देख सकते हैं, अगर आपको आता है काम, आपको पता है इसके बारे में, रिवाइंडिंग के बारे में, तो आपको अगर जहाँ ज़रूरत पड़ती है तो वो चीज़ आप देख लीजिए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है दोस्तों में, और वीडियो को लाइक करना है। वीडियो को शेयर करने से ना बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है सभी को, हमको भी और देखने वालों को भी। तो वीडियो को शेयर ज़रूर किया करो दोस्तों में, और आप काफ़ी शेयर करते हो उसके लिए थैंक यू। तो दोस्तों इस तरह से पेपर लगा देने हैं सभी, बहुत अच्छी लगेगी मोटर पेपर लगने के बाद। और
बहुत से भाइयों तार निकालने में थोड़ी दिक्कत होती है मोटर के, तो वो पार्ट भी मैं एक बना दूंगा एक अलग से कि उसमें तार वगैरह निकाल के दिखाऊंगा। कुछ आसान तरीके में बता दूंगा कि तारों को किस तरह से निकाला जाए, ठीक है, और आपकी मोटर के स्लॉट भी ना मुड़े, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है दोस्तों। अभी थोड़ा कैमरा भी में भी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, मोबाइल हैंग होने की वजह से थोड़ा स्लो हो जाता है कैमरा, और हाल ही में इसका सॉफ्टवेयर भी अपडेट मैंने किया है, तो ये भी हो सकता है कि सॉफ्टवेयर की वजह से भी थोड़ा बहुत ये कैमरा हैंग हो रहा हो। और दोस्तों इस तरह से मैं थोड़ा वीडियो को स्किप कर दूंगा, पूरे 36 कागज़ आपको लगा लेने हैं, और कागज़ लगाने के बाद आपको रिवाइंडिंग का पार्ट मिल जाएगा। देखिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक लगा दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं, और आपको डेली एक पार्ट आपको मिलेगा, ठीक है। चैनल के साथ बने रहिए, दोस्तों में शेयर करते रहिए, और कुछ भी पूछना हो, कुछ भी जानकारी आप चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, और कुछ भी कहना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।